21 मार्च को ये यूपी का सारा इलाके का मेला बंद हुआ है, और फिर उसके बाद कुछ जगह के खुले भी, कुछ जगह के बिल्कुल अभी तक बंद है। वेद अवेद का चक्कर चल रहा है। उसके बाद ये अबाई का मेला है, कोई ऐसा नहीं कि नया बना हो। जो चीज़ एक जमाने से चल रही होगी वो उनकी उसमें है, नगर निगम में भी है कि ये चीज़ है, उसका महसूल भी पड़ता था, सब कुछ पड़ता था, मगर ये ढील सरकारी कर्मचारियों को रही कि अगर कोई कमी है तो उन्हें सख्ती बरतना चाहिए। उस पर सख्ती नहीं बरती गई, बल्कि उसको बंद करने के ख्याल से उस पर ढील और डाल दी गई। परेशानी अभी तक के इतनी हो गई है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई सभी कुछ है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और हम अगर लेसन के लिए अपने जाते हैं तो हमसे ये बोला जाता है कि आप नगर निगम जाइए, नगर निगम से जब थक के आते हैं तो बोलते हैं खाद विभाग जाइए, खाद विभाग से जब होके आते हैं तो फिर बोलते हैं एरिया के इंस्पेक्टर पास जाइए, आपके वहाँ थाने में देखिए वेरिफिकेशन गई कि नहीं गई। अभी तक के रमज़ान से जो फॉर्म भरे गए थे कुछ भी काम नहीं हो रहा, आदमी परेशान टहल रहा। तीन तबके होते हैं, तीन तबके में जो फट्टे वाले हैं उनकी तो दुकान ही बढ़ गई, भूखे मर रहे बेचारे भाई। आगे से रोक लगी है, अगर वो लाइसेंस के लिए ऐसा कर दे तो हम लोग के कोई परेशानी नहीं ना। उन्नाव से ले आओ गोश्त, उन्नाव से ला गोश्त बेचो। एक जमाने से हम लोग का 100 साल पुराना का मेला हमारा है, 100 साल देख 150 साल, और हमारे बाप दादा करते करते वहाँ कमेले से चले आए, और आज कह रहे हैं कि वहाँ से ये हमारा कमेला बनवा दे भाई। पुलिस मांगती है 5,000 दो, 2,000 दो, 10,000 दो, साहब ये कर रही पुलिस, फिर वो काम करने देते हैं, नहीं वरना पकड़ ले देते हैं। हम सरकार से ये चाहते हैं हमारा लाइसेंस इशू कर दिया जाए। नहीं, मैं लाइन ऑर्डर मेंटेन कर रहा हूँ, ये मुद्दा हमारा दूसरा है। आप दूसरे मुद्दे से आए? हाँ, किस मुद्दे? चलो भाई आप लोग चलो यहाँ से, जाओ भैया जाओ। ये मुद्दा क्या है आपका, किस मुद्दे के लिए? मैं तो 307 के मुलजिम को तलाश रहा हूँ, हमारा 307 का मुलजिम है, तीन मुलजिम पकड़े गए, चौथे मुलजिम मैं तलाश कर रहा हूँ। नहीं, उससे कोई नहीं लेते ना, एक ही जात बिरादरी के हैं तो इसलिए चेक किया जाता है, यहाँ तो नहीं बैठे, वहाँ तो नहीं बैठे, सभी जगहों को मैं तलाश करता हूँ। चल ठीक है भाई, बाकी छह जानवर अलाउ हैं, छह जानवर अगर अलाउ लेके चलते हैं हम लोग तो वो रास्ते में रोकते हैं, पहले ट्रक के ऊपर चढ़ते हैं, वो देखते हैं, और देखने के बाद फिर भी वो डिमांड करने हैं 500 रुपये या 1,000 रुपये प्रत्येक भैंस का वो चार्ज करते हैं, और अगर आपने दे दिया तो ठीक है, वरना उतार के पहले तो मारते हैं व्यापारी को, ड्राइवर से बोलते नहीं हैं, व्यापारी को ही लूटते हैं वो, और अगर व्यापारी जो है अगर दे देता है तो उसको जाने देते हैं, नहीं देता है तो आगे फ़ोन करके फिर पुलिस वालों को या आगे जो जिप्सियाँ खड़ी रहती हैं पुलिस की, फिर उनको लगा देते हैं। पुलिस वो क्या रोल होता है? पुलिस का रोल ये होता है कि आपने यहाँ पर दिया, फिर 10 किलोमीटर तक गाड़ी अगर आगे चली तो वो फ़ोन कर देता है पीछे वाला कि एक गाड़ी आ रही है इतने इतने जानवरों को लेके, तो वो आगे लग जाती है, फिर वो भी डिमांड करती है इस पुलिस वाले। हाँ, इस तरह हाईवे पेट्रोल वाले फिर इस तरह उनका जो है पूरा हरियाणा बॉर्डर क्रॉस करते करते जब यूपी में घुसते हैं तो करीब 10 से 15 हज़ार रुपये तक का खर्चा आ जाता है एडिशनल। हाँ, ये पुलिस खर्चा, पब्लिक का जो ये विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना बजरंग दल वालों का खर्चा मिला के एक गाड़ी पे 10 से 15 हज़ार रुपये का ये अवैध खर्चा आ जाता है एक्स्ट्रा। ताजी भैंस कम से कम 50-60 हज़ार पड़ेगी, अच्छी रेट में जाती थी जानवर। अरे कम से कम जैसे सेहत का वजन है तो 40-45, 35-40, अब तो वो 25 से 20 में रह गई। उसका पैसा पहले मतलब बेच के
पूरा हो जाता था जो खर्चा में था। अरे दो चार 5,000 10,000 घटा है तो उसको एडजस्ट करके बढ़ा काम नया चालू होगा। अब तो उसमें 50% आधे में नहीं रहे कोई जानवर, वो भी आधे जाने के लिए तैयार नहीं कोई लेने के लिए। अब ये चल रही छोड़ दो इसे, क्यों जानवर नहीं बिक रहे हैं कि हम लोग गरीब आदमी अगर भैंस कमज़ोर है चेंज करना चाहते हैं निकालना चाहते हैं दूसरी लेना चाहते हैं तो कहाँ मिल रही बिक नहीं रही बदलना चाहते हैं या हमारे साथ और भी लगे हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं वो भी परेशान बेचारे हैं जो है वही रोके हैं। इस टाइम बिकी नहीं रही कोई खरीदने वाला नहीं क्यों किस कौन लेगा जब यहाँ कोई सप्लाई कटाई नहीं हो रही तो कौन लेगा। जो व्यापार करते हैं उनका व्यापार बंद है तो बिक नहीं रहे हर एक दूसरे से ज्वाइंट है कोई घर के लिए तो अपने लेता नहीं तो जब वो बाहर नहीं जा रहे तो यहाँ हम लोगों को माल रुका पड़ा।